कुरुश आजम, जो सायरस आजम के नाम से भी जाना जाता है, कदीम ईरान का एक अजीम बादशाह था। उसने ईरान में हक्का मुंशी सल्तनत की बुनियाद रखी। उसकी क़यादत में ईरान ने जनूब मगरबी एशिया, वस्त एशिया, यूरोप के कुछ इलाक़े और कूह ख़ाफ़ फतह किया। मगरब में बहर रूम और दरदानियाल से लेकर मशरक़ में हिंदू कश तक का इलाक़ा फतह करके सायरस ने उस वक्त तक की तारीख की अजीम तरीन सल्तनत कायम की। सायरस को यहूदियत में भी एहतराम की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि उसने बाबल फतह करके यहूदियों को आज़ाद कर दिया था, जो उस वक्त सल्तनत बाबल के गुलाम थे। सायरस का दूसरा बड़ा कारनामा मजहबी रवादारी है। फतह बाबल के बाद उसने इसराइलियों को फलस्तीन जाने की इजाज़त दे दी और बैतुल मक़दस की तामीर सानी का हुक्म सादिर किया, और उस सिलसिले में हर तरह की मदद दी। नेज़ व तमाम तलाई और नफरी ज़रूफ जो मजहबी तौर पर मुक़दस समझे जाते थे, इसराइलियों के हवाले कर दिए। ये इसके कारनामे हैं जिनकी बदौलत उसको नजात दहिंदा और कौम का बाप का खिताब दिया। नेज तारीख में उसको अजीम के लखब से याद किया जाता है। सायरस आज़म ने परसागर को अपना दारुल हुकूमत करार दिया और वहाँ एक महल तामीर किया। उसकी मौत अचानक वाक़ हुई। 529 कबल मसीह में एक कबीला सक ने बगावत कर दी। वो वहाँ गया और उनके खिलाफ जंग करते हुए मारा गया। कुरुश आज़म।